आइए परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। परसेंटेज का 21 में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? तो आइए देखते हैं इसको कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इंग्लिश से लिखा, विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें लिखा हुआ है 100 के 90%। तो सबसे पहले 100 का 90% हम लिखेंगे, 100 का 90%, 100 का कितना परसेंट, 90%। 90% को हम कितना लिख सकते हैं, 90/100, 90/100। फिर क्या कहा जा रहा है, से 40% कम है, से 40% कम होगी, से 40% कम होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर, और यहाँ पर कहा जा रहा है 40% कम होगी, तो 40% यहाँ पर कम होगी, यानी कि किससे कम होगी 40%, 100 से। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 100, और यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का साइन दे देंगे। अब यह जो हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ था 40% कम होगी, तो 100 माइनस कितना कर देंगे, 40, और यहाँ पर परसेंट के लिए हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा रिजल्ट कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया मेरा 100 और इंटू 90/100, 90/100, 100 इंटू 140 में, जब 100 में जब 40 जब लेस हो जाएगा तो मेरा वैल्यू कितना बचेगा, 60, 60/ कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर क्या होगा, 100 और 100 यहाँ से मेरा कैंसिल हो जाएगा। फिर एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से, फिर एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, यानी कि ऊपर में कितना बचा, 9 बचा और 6। 9 और 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो टोटल जो वैल्यू आएगा वो 54 आएगा। 54, यानी कि वो जो कौन सी संख्या थी, 54 संख्या थी, जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है।